लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ए, दो नहीं, एक चाय वापस। दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे प्यार बढ़ता है। अबे रख, जा। अबे काय का तू यार, भाड़ में गया तेरा प्यार। अबे सुबह से समझा रहा हूँ कि रवीना तेरी हैसियत की नहीं, एक तो समझता नहीं ऊपर से भड़कता है, बेवकूफ। चल छाना मारो भोपाल निकल। अबे हुल दे रहा, मसल देखा, मसल मसल के रख दूंगा। अबे बॉडी दिखाता है, डेढ़ पसली। सुन ले रवीना, मेरी है मेरी। हाँ तेरी भाभी है क्या? अरे तुम लोग आपस में इस तरह से लड़ क्यों रहे हो? रवीना तीनों में से जिसके नसीब में होगी उसे मिल जाएगी। ये तीसरा कौन है? अबे तीसरा कौन है रे? क्यों, मैं भी तो हूँ। अबे तू, तेरी ये जुर्रत तूने सोच भी कैसे लिया? अरे जैसे तूने सोच लिया। ए अमर, बहुत हो गया, मेरा गुस्सा बहुत खराब है। मैं क्या करेगा तू? क्या करेगा? मैं सोचूंगा। अरे सोचने का टाइम नहीं है। तुम लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ हम तीनों ही यहाँ रवीना से शादी करने के लिए आए हैं? अरे जरा वहाँ जाके देखो, हजारों लोग जमा हैं। अच्छा, लाइन लगी हुई है, टोकन बट रहे हैं इंटरव्यू के लिए, 20 घंटे लाइन में खड़े होके। ओए माँ, 717! अरे मेरी रवीना का इतना डिमांड? अच्छा, हद हो गई ये बेकारी की। शर्म आनी चाहिए इस देश के नौजवानों को। एक अमीर लड़की की आ गई, सबके सब उसके पीछे लग गए राल टपकाते हुए। न सूरत, न शकल, न अकल, जिसे देखो चला रहा है। अबे तू भी तो आया। अरे मेरी बात और है यार। अब सुनो, सबसे पहले हमको एक काम करना होगा। जितने लोग इस चक्कर में यहाँ आए हैं, पहले उनका पता काट, उसके बाद जिसके नसीब में होगी उसको मिलेगी। अबे जिसके नसीब में होगी उसको मिलेगी। हाँ ठीक है ठीक है, चलो चलो यार। पॉकेट में है रवीना। बदतमीज, गवार, बाजी, उल्लू, नामकुल, गधा, बेवकूफ। हमारी शख्सियत पूछता है, मियां ठमरू बताओ इन्हें हम कौन हैं? बताओ। जी ये है नवाब नूर अली, निजामुद्दीन, बरकत अली उर्फ बड़े मियां, और ये है अमीर अली, असलील अली, असली उर्फ छोटे मियां, और मैं हूँ डमरू तैमूर लंग तुरु। इतने सारे नाम, बाकी लोग किधर है? शट अप रॉबर्ट, ये इन्हीं लोगों के नाम है। चुप रहो, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं रवीना जी का सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर हूँ। और मैं जूनियर। मियाँ छोटे, लगता है ये हमारी रनिया बेटी के नौकर है। नौकर हाँ। तो शक्ल से ही दिखाई देते हैं। मियाँ छोटे। हाँ मियाँ बड़े। हमारी लाडो रनिया नहीं दिखाई दे रही। मेरी भी निगाहें उन्हीं को ढूंढ रही हैं। कौन रनिया? यह रवीना बजाज का फंक्शन है। अरे वही तो हमारी लाडो रनिया, मैं उसे गोद में खिलाया करता था। मैं उसे कंधे पे घुमाया करता था। वो मुझे मामूदन मामूदन कह के बुलाती थी। और मुझे छोटे मामू, छोटे मामू। अच्छा, अब उनके मामू है। अब बहुत अच्छे टाइम पे आए। देखो अच्छा? क्या है, आज रनिया का, मेरा मतलब है आज रवीना जी का स्वयंवर है। हाँ, बहुत सारे लड़के लोग जमा हुए हैं, इसीलिए घर के बदले में सारा फंक्शन इधर क्लब में अरेंज किया। बदतमीज, कहाँ है सारे नौजवान? उधर है, ले चलो हमें, ले चलो। ये देखो इधर है सब। मुस्तन्नो, नौजवानों इधर आओ, इधर आओ और मेरी बात सुनो, इधर आओ। रवीना से शादी करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उसकी शादी बचपन में ही तय हो चुकी थी प्रेम सिंह के साथ। अमर सिंह, अमर सिंह, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जान ले लो सबकी। जो हुकुम नवाब साहब। दो नवाब जादे आए हैं, छोटे और बड़े। कहते उन्होंने आपके पिताजी को गोद में खिलाया है और आप उन्हें मामू जान कहती थी। मामू जान? मेरी नन्हिया बेटी, पहचाना मुझे, मैं तेरा बड़ा मामू। हट पाजी, डराते बच्ची को, आजा मेरे पास। याद है बेटी, हम चौक में घुमा करते थे, वो हलवाई की दुकान, वो सफेद सफेद रसगुल्ले, और वो रानी बाकी शेर, वो चीता, वो शेर, वो भालू। हटवा जी, फिर बच्ची को, आजा बच्ची, आजा, बड़े मामू के गले लग जा, आजा मेरी लाडो रानिया, आजा, आजा। बचपन में तो तू सभी क्या करता था, ये तो छोटे से हिली थी, मेरा गुलाब जामुन, मेरा पेठा, मेरी इमरती। अरे मुन्नी, लगता है छोटे को जरा भूख लगी है, जाओ इसे कुछ खिला दो, जाओ जाओ। नहीं, पर मुझे भूख नहीं लगी। आप बार बार पीछे मुड़ के क्या देख रहे हैं? बेटी, बड़े मामू को मिर्ची के दौरे पड़ते हैं और जो भी सामने आता है उसे लिपट जाते हैं। सच? ओह, अच्छा अब जल्दी सी मिठाइयाँ खाइए, फिर चल के देखते हैं। मिठाइयाँ? अब हम इधर ही देखते हैं।
सुभान अल्लाह, तस्वीर से भी ज्यादा खूबसूरत है बेटी, इसलिए हमने तुम्हारी शादी ठाकुर अमर सिंह के साथ तय की है। कौन अमर सिंह? आईन, तुम अमर सिंह को नहीं जानते? अरे बेटी, अमर सिंह ऐसा खूबसूरत नौजवान है कि जिस मोहल्ले से भी वो गुजरता है वहाँ की लड़कियाँ हाय अल्लाह ओए अल्लाह करके बड़बड़ गिरती हैं। लेकिन मैं आपकी बात का कैसे यकीन मान लूं? बदतमीज गुस्ताख, तुम्हें हमारी बात पर शक है? अरे बेटी, आज भी सारे अलीगढ़ में हमारी राय के बिना कोई शादी नहीं होती। हाँ, कोई शादी नहीं होती, ऐसा रुतबा है हमारा, ऐसा तजुर्बा है हमारा, ये दाढ़ी हमने धूप में सवेरे देखी है। हाँ, पकड़ो। अजीब बड़े मामूर हमारे तो बड़े किस्से हैं। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक क्या क्या नहीं किया हमने। तो आप रवीना को बचपन से जानते हैं? अरे रनिया बेटी को क्या, हम तो उसके बाप को जानते हैं, बच्चू को। और क्या क्या जानते हैं आप? अरे एक बार रनिया बेटी गोद में बैठ जाती थी तो उठने का नाम नहीं। छोटे मामू ये खिलाओ, छोटे मामू कहानी सुनाओ, छोटे मामू शहर में ले जाओ। तो इसीलिए आपने उसके लिए एक लड़का भी चुना? क्या लड़का चुना है, लाखों में एक है प्रेम सिंह। लेकिन बड़े मियाँ तो कह रहे थे कि अमर सिंह बढ़िया गए हैं। बड़े मियाँ ना उन्हें दिखाई देता है ना उन्हें सुनाई देता है। वेरी स्मार्ट, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? बड़े मामू लेट गए। वैसे तबीयत तो मेरी भी सुस्त है, मैं भी थोड़ा सा लेट जाता हूँ। हम आपको लेटाने का सारा बंदोबस्त कर चुके हैं। मेरी छड़ी कहाँ है? छड़ी? ये पड़ी। अबे दाढ़ी निकल गई थी तो इशारा कर दिया होता, मैं भी तेरे साथ भाग लेता। भगवान तेरे जैसा दोस्त किसी दुश्मन को भी नहीं। अरे इसलिए तो कहता हूँ कि भोपाल वापस लौट जा, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली। अरे दो चाय क्यों, एक चाय वापस, दो दोस्त एक प्याले में चाय पियेंगे, इससे दोस्ती बढ़ती है। वापस। अबे रट जा, बाहर में गई तेरी दोस्ती, बर्बाद बेवकूफ बनाते रहता है मेरे को, क्या समझा बेवकूफ। हाँ। अबे तेरी तो पहले से टूटा फूटा है, एक मारूंगा बिखर जाएगा। अबे कमर टूटी है, कोनी नहीं। अबे कोनी दिखाता है? मारोगे? अरे तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? हाँ, रेस के मैदान में तुम अकेले हो, मैं तो मैदान कब का छोड़ चुका हूँ। अबे चुप, तू मैदान में था ही कब? हा? अरे कहाँ मैं और कहाँ तुम दोनों? हाँ। अबे अरे मैं था, बिल्कुल था, मगर इस आशिक की हालत को देखकर मैं आशिक ही भूल गया। मैं आनंद अकेला ही ठीक हूँ, लेकिन मैं हमेशा आपकी मदद करूंगा, मरते दम तक करूंगा। सीख इससे कुछ। हा? कितनी अकलमंदी की बात कर रही है, और कल से तू भी मेरी मदद करना, समझा? हनुमान जी तेरे को कभी माफ नहीं करेंगे। अरे तुम लोग बारी बारी कोशिश क्यों नहीं करते? हाँ, पहले कोशिश मैं करूंगा। हाँ। अबे टेढ़े, पहले कोशिश के काबिल तो बन। देखो मत, तेरे को मेरी हाय लगेगी कसम से। अबे चुप। अबे तुमने शोले पिक्चर देखी है? हाँ, 10 बार। हाँ, इसके बाप ने लिखी है। देख बाप मत जा। देखो शोले पिक्चर में अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र सिक्का उड़ाकर फैसला करते थे, ऐसा ही तुम करो, जो जीतेगा वो पहले कोशिश करेगा। ये अच्छा है। सिक्का उड़ाते हैं, जो जीता वो सिकंदर और जो हारा वो बंदर। ठीक है ना, ये है सिक्का। अब तुल्य भाई, चित में जीता और पट्टू हारा, ठीक है ना? इसे उल्टा कर, उल्टा। चलो यार, जो तू कहे वही सही, पट्टू हारा और चित में जीता, अब तो ठीक है ना? ये ठीक है, ठीक है। ये सिक्का उड़ा और ये आइला, पट्टू हारा मतलब मैं जीता, रवीना मैं आया, रवीना मैं आया। चित वो जीता तो पट्टू जीता, तू हारा किधर? तू तो जीता है। अरे हाँ, अरे मैं सिकंदर। अबे वो तुझे बंदर बना गया। साला प्लान तो ऐसा बनाया कि एक ही झटके में लड़की के बेडरूम में। बेडरूम में? बिल्कुल। और बेडरूम में पहुंचने के बाद दिल तक पहुंचने में टाइम ही कितना लगता है? बिल्कुल नहीं, बस एक ही प्रॉब्लम है। डंडा। डंडा? हाँ, एक बार किसी तरह लड़की मुझे डंडा मार दे। लेकिन वो मारेगी क्यों? परेशान जो करूंगा। तो मुझसे परेशान भी करोगे? बहुत परेशान करूंगा मैं, बहुत परेशान। लेकिन क्यों? डंडा जो खाना है। तुम खा लोगे डंडा? शौक से। तो डंडे की फिक्र तुम मत करो, मैं दे दूंगा। सच? 16 आने। पुलिस पुलिस, मार डाला। अरे कोई है? पुलिस, नहीं नहीं, ये मैंने नहीं किया। अरे तुमने किया कैसे? नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, हाथ तुम्हारा, डंडा तुम्हारा, माथा इस बेचारे का, मारा तुमने, मर गया बेचारा। पुलिस, ये डंडा बार बार मेरे सामने आ रहा था, ये बदतमीजी किया जा रहा था, मैंने कितना कंट्रोल किया कि मैं इसे नहीं मारूं, मैं नहीं मारूं। पुलिस पुलिस को मत बुलाइए। तो और किसे बुलाऊं? नहीं नहीं, सांस ले रहा है, अभी उठ जाएगा। ये क्या उठेगा बेचारा,
इसे तो अब चार आदमी ही उठाएंगे। ये बेचारा तो दुनिया से उठ गया, जवानी में ही मर गया बेचारा। पुलिस, अरे पुलिस, नहीं, नहीं, पुलिस को मत बुलाइए, मैं इसका इलाज करवाऊंगी। चलिए चलिए मेरी मदद कीजिए। कहाँ हूँ मैं, कौन हूँ मैं, आप लोग कौन हैं? मैं कहाँ से आया हूँ, क्या नाम है मेरा? अरे 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 बेचारी की आकाश गई। वेरी स्मार्ट। और ये सब कुछ आपके डंडे की वजह से हुआ है। आप क्यों डांटते रहते हैं मुझे? ये बेचारी क्यों रो रही है? कौन सा डंडा, कैसा डंडा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग मुझे समझाते क्यों नहीं? आप ही मुझे समझाइए, आप ही को समझाना पड़ेगा। समझाइए ना। स्मार्ट बॉय रवीना, ये तुमने क्या कर दिया? तुम ही मुझे डांट रही है, मैं नहीं बात करूंगी किसी से। अब तो मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा। पुलिस, पुलिस, पुलिस को मत बुलाइए प्लीज। मारा इनको मैंने ही था। मैं इनका इलाज कराऊंगी, जब तक इनकी यादाश्त नहीं जाती ना, मैं इनको यही रखूंगी, मैं इनका ख्याल रखूंगी। आप कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है, कितना ख्याल रखती है मेरा। क्या नाम है आपका? रवीना जी। रवीना। लेकिन तुम्हारा जल्दी ठीक होना बहुत जरूरी है। क्यों, जल्दी क्यों? क्योंकि कल बजाज साहब आ रहे हैं। हैला। सर गलती से मिस्टेक हो गया सर, क्या मैं बताना ही भूल गया, बजाज साहब का लंदन से फोन आया था, वो कल नहीं अगले हफ्ते आ रहे हैं। डैडी भी कमाल करते हैं, परदेश में हम दोनों को अकेला छोड़ दिया, रोज एक नई मुसीबत, कोई फिक्र नहीं है उन्हें हमारी। हाँ मैं भी यही सोचा था, कोई फिक्र नहीं है आप लोगों की। अरे कैसे डैडी हैं, उनको तो यहाँ आना चाहिए था आपके साथ। जरा सोचिए, दो बेचारी अब अकेली लड़कियाँ अजनबी शहर में। रॉबर्ट जरा फोन लगाओ, मैं बात करता हूँ। अरे मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ? वेरी स्मार्ट। ये कौन है? वेरी स्मार्ट, जवानी में आप काफी खानदानी लगते थे। धोखा खा गए ना, यही तो गेम है। मेरा भाई है जुड़वा, राम गोपाल बजाज। मेरा नाम तेजा नहीं है, श्याम गोपाल बजाज। श्याम राम, राम श्याम। हाउ वेरी इंटरेस्टिंग, बाप का बहुत लाडला था। मेरा बुढ़ा साला इसको बहुत प्यार करता था, न जाने साले ने क्या जड़ी बूटी पिलाई थी। सब साले को राम समझते थे और मुझे रावण समझते थे, और तभी मैंने सोचा था कि मैं साले बाप को भी सटका डालूंगा, उसके भी पत्ते बिछा डालूंगा, और फुल ट्राई मारा था मैंने। गलती से वो हमारा मुनि भारी शंकर, उसके पत्ते मैंने बिछा दिया। लेकिन अच्छा हुआ, वो साला बहुत धर्म कर्म की बात करता था, बहुत बोर करता था वो। और उसी केस के अंदर मुझे 10 साल की हो गई। मैं 10 साल जेल में था, और 12 तो पूरा बाजी उल्टा, ये लंदन चला गया और 1 करोड़ के 30 करोड़ बनाया। लेकिन सर आप खुद कह को लंदन नहीं चला गया? कैसे जाता लंदन, पुलिस पीछे पड़ी है ना। मोगेम्बो का 5 लाख का घपला किया तो उसका भतीजा ढूंढ रहा है ना, मुझे लंदन नहीं देखना है क्या, कैसे जाता। हाउ सैड। लेकिन अब अपने बुरे दिन हवा हो गए, वो छोकरी इसी की है। एक बार मेरी लंका में आ जाए, मैं रावण के जैसा डिफीट नहीं खाने वाला हूं। मैं नहीं खाऊंगा डिफीट, तेरे सब पत्ते साले में पीस डालूंगा, देख। करोड़ों का फायदा और सिर्फ एक खून। तेजा साहब ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं उसे ऐसी मौत मारूंगा कि उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो मर गया। लेकिन ये जब इंडिया आएगा तब तुम उसे मारोगे ना, लेकिन ये कब इंडिया आएगा, कब आएगा? सर सर इसका लड़की आ गया है ना, ये जरूर आएगा इंडिया। हाँ? अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। इसके लड़के को खत्म कर डालो।